हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एकेडमी। तो आज की इस वीडियो हम बात करने वाले हैं जो आपका एज क्राइटेरिया होता है, और एक दो पॉइंट और डिस्कस करेंगे इस वीडियो में जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए फॉर्म भरने से पहले कि जो डेट ऑफ बर्थ है आपकी वो कहाँ से कहाँ होनी चाहिए, जिससे कि आप जो है वो फॉर्म फिल कर सकते हो। हो सकता है कि आप एक साल बाद फॉर्म भरें, तो आप अपनी जो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट है, आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट वो इसके बीच में होना चाहिए जो डेट यहाँ पर दी है। तो यहाँ अगर आप देखें, अगर आप इस बार फॉर्म फिल कर रहे हैं तो यहाँ पर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए वो 1/5/2009 और 30/4/2013 के बीच में होनी चाहिए, है ना। यहाँ पर इनसे मतलब ये कह रहे हैं कि 1/5 मतलब 1 मई 2009 से पहले की नहीं और 30/4/2013 से बाद की नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर बोथ डेट्स इंक्लूसिव है, मतलब इस डेट को भी काउंट किया जाएगा, ठीक है, इस डेट या इससे पहले, और 30 अप्रैल 2013 या इसके बाद नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब अगर दिस विल अप्लाई द कैंडिडेट्स ऑफ ऑल कैटेगरीज, जिसमें चाहे आप SC हो, चाहे ST हो, चाहे OBC हो, इन केस ऑफ डाउटफुल केसेस ऑफ द एवरेज इन कंपैरिजन ऑफ द एज रिकॉर्डेड इन द सर्टिफिकेट, दे मे बी रेफर्ड टू द मेडिकल बोर्ड फॉर कन्फर्मेशन ऑफ देयर एज। द डिसीजन ऑफ द मेडिकल बोर्ड विल बी ट्रीटेड एज फाइनल। अगर कहीं भी मतलब कुछ स्टूडेंट्स ने जैसे मान लो गलत सर्टिफिकेट बनवा लिया है, और अगर उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं कन्फ्यूज़न है, तो ये जो है वो आपकी डेट ऑफ बर्थ को कंफर्म कराएंगे और जो फाइनल डिसीजन होगा मेडिकल बोर्ड का वही माना जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप 1 मई 2009 के बाद और 30 अप्रैल 2013 से पहले के बीच में, मतलब 9 से लेके ये 13 के बीच में अगर आपकी कोई डेट है, मतलब इन डेट्स के बाद, तो आप आराम से यहाँ पर एलिजिबल हैं। ये था आपका एज क्राइटेरिया। अब एक दो पॉइंट और हैं जो आपको पता होने चाहिए। अब देखो यहाँ जो लिखा है, ये वाला पॉइंट देखो, 4.6A, कैंडिडेट हु हैज़ नॉट बीन प्रमोटेड एंड एडमिटेड इन क्लास 5, मतलब क्लास 6 के लिए आप जा रहे हो तो क्लास 5 में आप होंगे इस बार। क्लास 5 अगर आप 15 सितंबर 2021 के बाद अगर आपने अप्लाई किया है, तो आप जो है वो नहीं एलिजिबल होंगे। ध्यान रखना कि बिफोर 15 सितंबर आपको एडमिट होना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद अगर 15 या उसके बाद अगर आप एडमिट हैं, तो आप एलिजिबल नहीं होंगे इसमें। अब लास्ट पॉइंट देख लो, नो कैंडिडेट इज एलिजिबल टू अपीयर इन द सिलेक्शन टेस्ट फॉर द सेकेंड टाइम अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तो आप सेकेंड टाइम अपीयर नहीं हो सकते, सिर्फ एक ही बार अपीयर होंगे यहाँ पर। और यहाँ पर जो रिजर्वेशन है वो कितना है, 75%, और रूरल जो रिजर्वेशन, जो गांव का रिजर्वेशन होता है, वो कितना है, 75%। अगर हिंदी में अगर आप ध्यान से देखें, हिंदी में भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर ये लिखा है, यहाँ पर प्रवेश चाहने वाले अभ्यर्थी का जन्म 1/5/2009 से पहले और 30/4/2013 दोनों स्थितियों सम्मिलित हैं, इसके बाद का नहीं होना चाहिए। मतलब 30/4/2013 सम्मिलित, मतलब इसको इसके बाद, और 1/5/2009 और उससे पहले का नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो आपको एडमिशन नहीं, मतलब आप एलिजिबल ही नहीं होंगे। और दो पॉइंट ये थे आपके, ऐसे अभ्यर्थी जो प्रोन्नत नहीं किए गए, मतलब जिनको प्रमोट नहीं किया गया 15 सितंबर से पहले, मतलब 14 सितंबर तक, तो उनका एडमिशन नहीं होगा, वो आवेदन के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। कोई भी अभ्यर्थी किसी भी परिस्थिति में चयन परीक्षा में दूसरी बार सम्मिलित या दूसरी बार बैठने योग्य नहीं होगा, ये आप ध्यान रखना। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया। आपको वीडियो कैसा लगा उसको मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर आपको पसंद आया तो उसको लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, आई मती की साइनिंग।